सूर्य ग्रहण में ग्रहण के दौरान सुतक काल में सभी मंदिर के पट बंद रहते हैं और ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले सुतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान पूजा अर्चना और शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन फतेहपुर के नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की सुतक काल में भी पूजा होती है। लक्ष्मीनाथ मंदिर के पुजारी रमेश भोजक ने बताया कि सालों पहले चंद्र ग्रहण था और मंदिर पंचायती के फैसलों पर सुतक के कारण पट बंद थे और भगवान को भोग नहीं लगाया। इसके बाद रात के समय में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के सामने हलवाई की दुकान पर लक्ष्मीनाथ जी महाराज बच्चे का रूप धारण करके पहुंचे और कहा कि यहाँ पर तो प्रसाद मिला नहीं, मुझे भूख लग रही है। साथ ही भगवान ने कहा कि आप मेरी पैजनी ले लीजिए, और इसके बाद में हलवाई ने उन्हें प्रसाद दिया है। जब सुबह मंदिर में पुजारियों ने देखा कि भगवान की पैजनी गायब है और बात चारों तरफ बाजार तक चली गई, तो तब जाकर हलवाई ने बताया कि रात को मेरे पास एक बच्चा पेजनी लेकर आया और बदले में प्रसाद ले गया है। उसके बाद से ही मंदिर में सूतक काल में भोग और आरती होती है और सिर्फ ग्रहण के समय ही मंदिर के पट बंद रहते हैं। और ऐसे में फतेहपुर से हमारे सहयोगी राकेश की खास रिपोर्ट भी देखिए। ग्रहण का जो सूतक काल है वो शुरू हो चुका है, और मंदिरों की अगर बात की है जहाँ पूरे देश में मंदिर के जो पट है वो बंद है, लेकिन भारत में एक ऐसा भी मंदिर है, हम फतेहपुर के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज का मंदिर है। देखिए यहाँ पर मंदिर में हजारों की संख्या में जो लोग हैं दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो यहाँ के पुजारी से जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि जहाँ मंदिरों में जो सूतक होता है उसके अंदर पट बंद हो जाते हैं, भोग नहीं लगता, लेकिन यह मंदिर भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज का जो मंदिर है ठाकुर फतेहपुर के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान का जो मंदिर है, यहाँ पर भोग भी लगता है और आरती भी होती है सुतक काल में। तो आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर आरती और भोग होती है? यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे पट खुलते हैं, ठीक है, 5 पट खुलते ही आरती स्टार्ट हो जाती है भोग लगने के बाद। फिर शाम को इवनिंग में 7 बजे आरती होती है, फिर रात को 9:30 बजे आरती होती है। वैसे ही मतलब यहाँ पे गहन मान्य नहीं होता, सूतक मान्य नहीं होता, यहाँ पे हजारों की संख्या में पब्लिक आती है, भक्तजन आते हैं और वो प्रसाद लगाते हैं, भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप बताइए किस तरीके से, क्या मान्यता है, क्यों आखिरकार ऐसा रहता है? यहाँ भगवान को बाल रूप में माना जाता है और भगवान को एक भगवान का भी करते हैं। एक कथा के अनुसार सूतक काल के अंदर पुजारी ने भगवान को भोग नहीं लगाया जैसे और मंदिर में लगाए, तो भगवान बाल रूप धर के कस्बे की हलवाई के दुकान पर गए और अपना कड़ा वहाँ पर गिरवी रख दिया। सुबह उसने प्रसाद ले लिया। सुबह जब पुजारी उठा उसने देखा कि भगवान के हाथ में कंगन नहीं है, तो सारे शहर में चर्चा का विषय हो गई। तब हलवाई आया, का रात को बालक आया था, उसने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, ये मेरे पास चांदी के कड़े हैं, ये ले लो और मुझको लड्डू दो। उस दिन से मान्य लग रहा है कि भगवान बाल रूप है, भगवान कभी भूखे नहीं रह सकते हैं, उस दिन से मान्यता हो गई। तो सूतक काल के अंदर जहाँ पूरी दुनिया के अंदर मंदिर बंद रहते हैं, पूरे विश्व का ये इकलौता मंदिर है, ये 560 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर है जहाँ पर सूतक काल के अंदर भी भगवान की उसी तरह पूजा होती है। आप देख सकते हैं पुजारी प्रसाद दे रहा है, भक्त दर्शन कर रहे हैं, कोई भी नियम यहाँ पर उस सूतक काल का लागू। सामान्यतः ग्रहण काल पूजा नहीं होती और मंदिर के पट, परंतु पूरी दुनिया में फतेहपुर शेखावाटी का भगवान लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर ऐसा है जहाँ ग्रहण काल के दौरान भी मंदिर खुला रहता है, पट खुलते हैं, भगवान की पूजा अर्चना है, लोगों को प्रसाद मिलता है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि एक बार ग्रहण काल के दौरान भगवान को भोग नहीं लगा गया और भगवान ने बाल रूप धारण करके कस्बे के हलवाई की दुकान पर गए और वहाँ अपना कंगन गिरवी रख दिया और भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह जब पुजारी ने देखा कि मंदिर में भगवान के हाथ में कड़ा नहीं है, तब पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी। तब वो हलवाई आया, उसने कहा कि एक बालक मेरे पास रात को आया था, ये देखे गया कि मुझे भूख लगी है। उसी दिन से ये मान्यता हो गई है कि भगवान का ग्रहण का नहीं लगता है, भगवान को यहाँ बाल रूप माना गया है। और मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ होती है, परंतु यहाँ मूर्ति का जीवंत रूप होती है, जिस तरह मनुष्य सोता है, बैठता है, जागता है, खाता है, नहाता है, इसी तरह भगवान की भी यहाँ चारों टाइम नहलाया जाता है, उनको सुलाया जाता है, उनको दोनों टाइम भोजन करवाया जाता है। एक मानव रूप के अंदर इस भगवान की पूजा अर्चना कहती है, इसीलिए मान्यता है कि ये भगवान भूखे नहीं रह सकते और ग्रहण काल के अंदर भी ये मंदिर खुला रहता है। ये 563 साल पुराना मंदिर है, आसपास के लोगों में सबसे पुराना मंदिर यही है। इस वर्ष पहली बार यहाँ पर दिवाली मनाने की हमारे यहाँ हवेली है, घर है, वहाँ मैं आया हुआ हूँ
और ये अलौकिक श्रृंगार एवं अद्भुत प्रक्रिया देखने को मिली कि आज जहाँ विश्व में सारी जगह पे मंदिरों के पट सूतक लगने पर बंद होते हैं, लेकिन ये एक पहला मंदिर है विश्व का जहाँ सूतक में पट खुले हुए हैं।